Hello guys, welcome to my YouTube channel Future Designs. So guys, this is the next tutorial on Solidworks. Last tutorial में हमने discuss किया था एक mechanical part को जिसको हमने draw किया था by using simple 2D and 3D commands. अगर आपने वो video नहीं देखा है तो please do have a look. और आज की video में हम discuss करेंगे एक और mechanical part को जिसे हम बनाएंगे with the use of 2D and 3D commands. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले sketch, कोई भी plane आप choose कर लीजिए. उसके बाद एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं. स्मार्ट डायमेंशन एंड दिस विल बी 150 mm एंड दिस विल बी 24 + 28 + 24 76 mm. Then we extrude it. Up to 12 mm. Only 12 mm. After extruding it, अब हमें इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे कोई भी सरफेस आप चूज कर सकते हैं दोनों फ्लैट सरफेसेस पे से. तो इस सरफेस पे मैं स्केच कर लेता हूं. इसके बाद हमें यहां पे एक एंटिटी ड्रॉ करनी है. नॉर्मल टू सेंटर लाइन ले लेते हैं. अबाउट दिस सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन मैंने ले ली. उसके बाद एग्जिट. उसके बाद अब हमें यहां दो सर्कल ड्रॉ करने हैं. सो एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं सेंटर लाइन पे और एक सर्कल सेंटर लाइन पे. पहले एक ही कर लेते हैं क्योंकि हम दोनों को एक साथ एक्सट्रूड नहीं करेंगे. हमें इसे वेरिएबल लेंथ हाइट पे एक्सट्रूड करना है. सबसे पहले फर्स्ट सर्कल को ही हम एक्सट्रूड कर लेते हैं. इसका डिस्टेंस हमें इस पॉइंट, जो इस सर्कल का मिड पॉइंट है, उसे हमें इस लाइन से उसका डिस्टेंस रखना है. थर्टी एम एम. और जो इसका रेडियस या डाया है सर्कल का, इट विल बी 20 mm. एक्चुअली द रेडियस विल बी 20 mm, द डाया विल बी 40 mm. ओके, देन फीचर्स एंड एक्सट्रूड. अभी फुली डिफाइंड है, अब मुझे इसे एक्सट्रूड करना है. तो मैं यहां से इसका डिस्टेंस डाल देता हूं कि कितने एमएम तक मुझे एक्सट्रूड करना है. तो दिस विल बी 30 mm. ओके, ओके. नाउ अबाउट दिस पॉइंट, अगेन स्केच, नॉर्मल टू. अब मुझे इस सेंटर पॉइंट के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड में एक और सर्कल लेना है. तो आई सेलेक्ट दिस सर्कल और सेंटर लाइन मिल गई. उसके बाद कहीं पे भी क्लिक कीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच के सेंटर्स का, तो दिस विल बी 90 mm. ओके, जिसे यहां से इस सेंटर से डिस्टेंस इस साइड का 30 mm हो जाएगा. अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये ओवर डिफाइंड आ जाएगा के 30 mm. तो ये 30 mm है, ये बाय डिफॉल्ट 30 था क्योंकि हमने पहले सर्कल यहां पे ड्रॉ किया था. तो उस हिसाब से उसके बाद इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं. तो इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं हम फीचर कमांड एक्सट्रूड बेस. और इस सर्कल के हाइट मुझे चाहिए 90 mm. एक्चुअली हमें इसके साथ एक और सरफेस ड्रॉ करना है, तो हम पहले उसे भी एक साथ कर लेते हैं, नहीं तो हमें दो बार इसे एक्सट्रूड करना पड़ेगा. तो मैं फिर से इसे स्केच कर लेता हूँ. नॉर्मल टू कर लेते हैं हम.
उसके बाद हम फिर से स्केच करते हैं, और हमें एक एंटिटी ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से, एक्चुअली इस लाइन से ले लेते हैं हम इसे, दोबारा स्केच कर लेते हैं इंसर्ट लाइन और इस लाइन से। फिर से स्केच कर लेते हैं, लाइन लेते हैं एंटर और इस पॉइंट तक सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर आप बेसिकली कई कई बार आप लाइन लेते हैं तो ये छूट जाता है, सर्कल कमांड नहीं लेता। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सर्कल के अंदर तक लें, ताकि इसे हम बाद में ट्रिम कर सकते हैं। तो जो ये डिस्टेंस है, स्मार्ट डिमेंशन लेते हैं। अब जो इस मिड पॉइंट का, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, अबाउट दिस पॉइंट, जो हाइट है ये ले लेते हैं हम 10 mm। ओके, और ये पूरी लाइन ले लेते हैं 20 mm। ओके, तो अब हम ट्रिम कर लेते हैं इसे, जो एंटिटी हमें नहीं चाहिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ से हमें इसे ट्रिम कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम, हमारी एंटिटी ड्रॉ हो गई है। अब हम एग्जिट स्केच कर लेते हैं और फीचर में जाते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। दोनों एंटिटी मैंने सेलेक्ट कर ली, तो ये डिस्टेंस होगा 90 mm। ओके, देखिए एंटिटी मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जो हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जो इन दोनों सर्कल्स को आपस में कनेक्ट करता है। और उससे पहले हमें एक और काम करना है। सबसे पहले मैं स्केच कर लेता हूँ किसी भी सरफेस पे, पहले मुझे इधर एक होल करना है, सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लेने के बाद अगर मैं इस सर्कल के साइड में जाता हूँ, सर्कल कमांड ले लेते हैं पहले। ओके, उसके बाद अगर आप इस सर्कल पे जाते हैं तो इसका मिड पॉइंट आ जाता है। तो एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका रेडियस हमें दिया गया है 7 mm। ओके, ये हमें इस सरफेस की कट करना है, पर हमें यहाँ भी एक होल करना है। तो दोबारा बार बार ड्रॉ करने से अच्छा मैं एक ही बार कर लेता हूँ। तो मैं एक सर्कल कमांड और लेता हूँ और इस सरफेस पे जाता हूँ। पहले मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा, एग्ज़िट स्केच, और फिर से एडिट करता हूँ सर्कल। ओके, ये रेडियस मुझे चाहिए 6 का रेडियस हो जाता है। ओके, उसके बाद फीचर में जाते हैं हम और एक्सट्रूड कट, सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये चाहिए हमें, कितना डीप चाहिए हमें ये, हमें चाहिए 90 mm, जितना हमने एक्सट्रूड किया था उसमें होल चाहिए, तो 90 mm। ओके हो जाता है। वह एक्चुअली ये हमने दो अलग अलग सरफेस पे बनाया है, इसलिए हम एक साथ एक्सट्रूड नहीं कर सकते। तो मैं इसको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट स्केच कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से फीचर कमांड में जाता हूँ, एक्सट्रूड कट, और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं हम जितना हमने इसे 30 mm जितना हमने इसे एक्सट्रूड किया था, एक्सट्रूडेड कट, क्योंकि मुझे इस पे होल चाहिए था पार्ट पे। तो देखिए यहाँ तक हमारा पार्ट बन गया है। उसके बाद अब मुझे इस सरफेस को यहाँ से एक लाइन यहाँ पे कनेक्ट करनी है, यहाँ पे और वापस यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे किसी भी पॉइंट के अराउंड, किसी भी राउंड सरफेस के ऊपर हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें एक प्लेन प्रोजेक्ट करवाना होगा। तो मैं ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद रेफरेंस ज्योमेट्री में जाते हैं हम लोग और प्लेन पे क्लिक करते हैं।
प्लेन अब आ गया है हमारा जो हमने सरफेस ड्रॉ किया था, तो मुझे ये दूसरी डायरेक्शन वापस अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस डाल देता हूँ कितना चाहिए, तो मुझे मिड पे चाहिए एक्चुअली। तो मैंने ये पॉइंट एक्सट्रूड किया था जो आपने ध्यान दिया होगा। तो सबसे पहले हमने इसे 74 mm तक हमने, ये जो इसकी मिड लाइन है यहाँ पर मुझे ये पॉइंट चाहिए। तो एक्चुअली ऐसे नहीं आएगा, ये देखिए मैंने फेस सेलेक्ट हो गया है, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट। और अब फर्स्ट रेफरेंस पूछ रहा है तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, तो ये देखिए ये मिड पे आ गया है। अब ये एक्चुअली हुआ क्योंकि मैंने इस पे पॉइंट सेलेक्ट कर लिया था, तो ओके। उसके बाद मेरा ये प्लेन आ गया है यहाँ पे, इस प्लेन पे मैं जाता हूँ और स्केच कर लेता हूँ, स्केच ओके कर दीजिए, सॉरी इसे और नॉर्मल टू कर लेते हैं। अब मुझे एक सरफेस लाइन ले लेते हैं, और अब बेसिकली हमें इस पॉइंट से पॉइंट लेना है। तो इस पॉइंट से मैंने पॉइंट लिया यहाँ तक, ये देखिए। उसके बाद थोड़ा ध्यान से लेना होता है पॉइंट, क्योंकि पॉइंट छूट जाता है ये पॉइंट। उसके बाद इस पॉइंट को और वापस क्लोज कर देते हैं। किसी भी एंटिटी को आप अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके क्लोज कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्लोज नहीं होगी और आप एक्सट्रूड या उसके ऊपर कोई भी फीचर कमांड यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ओके, उसके बाद मैं फिर से कैंसिल कर देते हैं इसे, फीचर में जाते हैं, एक्सट्रूड कट, सॉरी एक्सट्रूड बेस। ये देखिए एक्सट्रूड हो रहा है, बट मुझे मिड प्लेन से चाहिए, तो मैं इसे मिड प्लेन कर लेता हूँ। और कितने डिस्टेंस तक चाहिए मुझे इसका इसका एक्सट्रूडन एरिया है 6 mm, तो मैं 6 कर लेता हूँ, ओके। तो ये देखिए एक्सट्रूड हो गया है। उसके बाद हम इस प्लेन को हाइड कर देते हैं, ताकि कंट्रोल जेड। उसके बाद हमें इस प्लेन को हाइड करना है एक्चुअली, ये देखिए बेसिकली हमारा पार्ट हमारा मैक्सिमम रेडी है। बट इसमें अभी एक और है, अब जो ये सरफेस है डाउनवर्ड सरफेस है, इसका जो बॉटम सरफेस है, यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसे मुझे एक्सट्रूड करना है। तो मैं इसे स्केच कर लेता हूँ, नॉर्मल टू कर लेते हैं, ओके। उसके बाद मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेंटर के अबाउट करना है, ये सेंटर रेक्टेंगल आ गया। तो मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ अबाउट दिस पॉइंट, ओके कर देते हैं। अब मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ, लेंथ हमारी सेम रहेगी, तो लेंथ के लिए अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना 150 ही ये पूरी रहेगी एक्चुअली। उसके बाद ये एरिया जो मुझे चाहिए, तो ये मुझे चाहिए 28, ओके। ये सेंटर के अबाउट है इसलिए ये प्री डिफाइंड आ रहा है, तो हम इसको नहीं दे सकते हैं। पर मैं इस लाइन से इसका एरिया, सॉरी लेंथ, ये भी सेंटर पे है 30, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि ऐसे हम इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ट्रिम एंटिटीज कर लेते हैं हम, ओके। और इस पॉइंट को भी डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट नहीं डिलीट करेंगे तो बाद में ये ऐसी ड्राइंग में अच्छी नहीं लगते हैं। तो दोबारा से अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं हम इस पॉइंट के अबाउट और इस पॉइंट पर, तो लेंथ इसकी 150 है, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये जो बेसिकली हमें चाहिए, तो दिस विल बी 28, ओके। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सेंटर लाइन ले लीजिए, ओके, इस पॉइंट की नहीं एक्चुअली, मैं पहले इसे ट्रिम कर लेता हूँ ताकि आप सबको बता पाऊँ कि कैसे इसकी सेंटर लाइन लेनी है। तो मैं फिर से सेंटर लाइन लेता हूँ, तो ये सेंटर लाइन ले ली मैंने। अब मैं इस लाइन को लाइन कमांड ले लेते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं, ओके ओके। तो लाइन हो गया, इसको डिफाइन कर देते हैं स्केच को, स्मार्ट डायमेंशन। हमारा जो यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस होगा,
इट विल बी 14 mm क्योंकि मुझे मिड पे चाहिए. तो हम इसे पूरा डिफाइन कर चुके हैं, 28 है तो ये भी 14 ही रहेगा. उसके बाद अगर मैं स्मार्ट डिमेंशन यूज़ करता हूँ तो ये पार्ट हमारा इस लाइन से देखने के लिए अगर देख लेते हैं, ऐसे तो इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ही होगा जितना हमें चाहिए, 24. हाँ ओके, ये ठीक है. अगर आपको इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सेंटर लाइन से इसे डिफाइन कर दिया है पहले ही, तो उसके बाद मुझे ये एक्सट्रूड करना है. एक्सट्रूडर बेस ले लेते हैं और इसके बाद मुझे इस पूरे सरफेस को एक्सट्रूड करना है. अब सेंटर लाइन है क्योंकि, तो ये पूछ रहा है कि आपको दोनों सरफेस को करना है. तो एक्चुअली ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले ट्रिम कमांड लेते हैं. अनवांटेड लाइन्स को आप हमेशा ध्यान रखें कि डिलीट कर दें क्योंकि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. अगर अब आप देखें, मैंने डिस्टेंस दे दिया है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो अब 24 है, ये इतने रहेगा. और नीचे भी अगर हम देखें तो इस लाइन से ये भी 24 ही होगा. कैंसल. ओके, उसके बाद फीचर कमांड में जाते हैं, एक्सट्रूड बेस. अब ये देखिए पूरा सरफेस वन टाइम में एक्सट्रूड कर सकते हैं आप. तो ये कितना एक्सट्रूड करना है, तो दिस विल बी 12 mm एक्सट्रूड करना है हमें. और ओके, तो बेसिकली ये देखिए आप, आपका पार्ट तैयार है अकॉर्डिंग टू आवर ड्राइंग जो हमारे पास थी. तो बेसिकली इतने सिंपल स्टेप्स से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आप इसे अपीयरेंस देना चाहते हैं तो अपीयरेंस दे देते हैं, अपीयरेंस सेलेक्ट कर लीजिए और मेटल इसे पॉली स्टील दे देते हैं. ओके, तो ये हमारा पार्ट है जो हमने ड्रॉ किया बाय यूजिंग सॉलिडवर्क्स सिंपल कमांड्स. तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ असेंबलीज़ को. तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ असेंबली पार्ट ड्रॉ किए जाएँ ताकि उससे आप और अच्छी तरह सीख सकते हैं. बेसिक ट्यूटोरियल यही है और आप जितनी ज़्यादा ड्राइंग ट्राई कर सकते हैं आप करें. तो गाइस आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.